आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको तीन मोल मोनोटोमिक गैस दी हुई है जो कि साइक्लिक प्रोसेस कर रही है, जैसे कि इसको हमने पीटी डायग्राम पर शो किया गया है, ठीक है। और हमको टेम्परेचर दिए हुए हैं T1, T2, T3, T4 और पूछा गया है वर्क डन बाय द गैस कितना होगा इस साइकिल के अंदर, ठीक है ना। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, पहले हम देखते हैं वर्क डन, हमको पता है टोटल क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू 1, 2, 3, 4 को हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू 1, 2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2, 3 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 3, 4 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 4, 1, ठीक है। अब देखो डेल्टा डब्ल्यू 1, 2 देखते हैं। 1, 2 में हमको जो पीटी प्रोसेस में दिखा रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है। अब ये किस केस में होता है देखते हैं। हमको पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है और हमको पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा वी होगा 0, यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसमें तो डेल्टा डब्ल्यू 1, 2 हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। सेम जो 4, 3 दिया हुआ, 3, 4 दिया हुआ है, वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है, उसमें भी पी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी होगा, यानी वॉल्यूम 0, तो हमारा ये भी हो जाएगा 0। अब बचते हैं डेल्टा डब्ल्यू 2, 3 और डेल्टा डब्ल्यू 4, 1, ठीक है। अब इनको करते हैं हम। तो देखो 2, 3 में हमको दिया हुआ है कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू होता है, देखो फर्स्ट तो हमारा क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये डेल्टा डब्ल्यू होगा वो हमारा आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू से। अब कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डेल्टा क्यू होता है एन सी पी डेल्टा टी और डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, इससे हमारा आ जाएगा एन सी पी माइनस सी वी डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो हम निकालते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू 2, 3, तो 2, 3 के लिए हो जाएगा एन, एन हमको दिया हुआ 3, आर डेल्टा टी हमारा जाएगा T3 माइनस T2, T3 हमको दिया हुआ 2400, T2 800, तो 2400 माइनस 800 सेम इस केस में होगा 3R T1 माइनस T4, तो T1 हमारा है कितना 400, T4 है 1200, तो 400 माइनस 1200 तो ये आ जाएगा 3R इंटू 1600 माइनस 3R इंटू 800, तो ये हो जाएगा 4800 R माइनस 2400 R इक्वल्स टू 2400 R। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो आंसर्स हैं वो हमारे किलोजूल में दिए हुए हैं, तो हम इसमें R की वैल्यू डालते हैं तो हमको मिलेगा 2400 इंटू 8.3, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 19.92 इंटू 10^3 जूल्स इक्वल्स टू 19.92 किलो जूल्स, तो हमारा क्लोजेस्ट आंसर जो आ रहा है वो है ऑप्शन डी 20 किलो जूल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।